एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बिजनौर के ब्लॉक जलीलपुर में स्थित जमालुद्दीनपुर गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 6 किलोमीटर है, तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 35 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने लल्लू सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 4000 की आबादी एवं 1900 वोटरों वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में 192 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 235 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 22 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 6 हैंडपंप रिवोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 75 विद्युत पोल, 1 विद्युत ट्रांसफार्मर, 40 स्ट्रीट लाइट व 8 सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 174 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम पंचायत जमालदीपुर साहब प्रधान जी बोल रहा हूँ। मेरा पुराला रोड एक बिल्कुल बेकार हुआ पड़ा जी, उसे करें सही करवाएगा। और हाँ, ऊंचा नीचा बहुत, और गांव में भी कई बहुत रोड रह रहे हैं और आरसीसी के 2 टुकड़े सिर्फ पड़े हुए हैं अभी। आज जलीलपुर ब्लॉक हूँ, जिला बिजनौर, तहसील चांदपुर और परगना बास्टा। ये हैं कच्चे जी रास्ते बिल्कुल, हर घर भी कच्चे, छप्पर के घर हैं। अब 65 घर बिल्कुल छप्पर के हैं और वो साहब सब सिक्योरिटी ने कलवा दिए। नुको ये नहीं बनने के, ये नहीं बनने का, राय का चल तहकात करवा लो किससे।